नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। सुशासन की मस्ती की पाठशाला बेगूसराय के सरकारी स्कूल में बच्चों को स्मार्ट क्लास में अश्लील भोजपुरी गाना दिखाया गया। सुशासन के स्टेट कैंसर सेंटर को भ्रष्टाचार का कैंसर लगा। 120 करोड़ से एक साल पहले बने इमारत की छत गिरी। IGMS कैंपस में हुई घटना। किम जोंग ने कोरोना से अपने तरीके से निपटने का किया ऐलान। लौटा दी सारी वैक्सीन, कहा जरूरतमंद देश को दे दे। पटना में अचानक बढ़ी बीमार बच्चों की संख्या, कोरोना टेस्ट निगेटिव पर अधिकतर को सांस लेने में परेशानी। बिहार में स्वास्थ्य केंद्र से कोरोना वैक्सीन ले भागे दबंग, महिला कर्मियों को अपने घर चलने को कहा, नहीं मानी तो दिखाई अपनी ताकत। बालू खनन में लगी एजेंसी ने स्टॉक में की गड़बड़ी, 6 अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज। तो खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा किस गर्त में चल गई है, इसका विभत्स उदाहरण बेगूसराय में देखने को मिल गया है। सरकारी स्कूल में बच्चों के स्मार्ट क्लास में स्क्रीन पर अश्लील भोजपुरी गीत और डांस दिखाया जा रहा था। क्लासरूम का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चों के गार्जियन और दूसरे लोग हैरान और परेशान हैं। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि मामले की जांच कराएंगे। दरअसल मामला बेगूसराय के बखरी प्रखंड में राटन मध्य विद्यालय की है। वहीं का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, स्मार्ट क्लास के लिए वहां स्क्रीन लगा है, उस पर अश्लील भोजपुरी गीत और नृत्य चल रहा है। इस बीच गंदी गालियां भी सुनाई दे रही है। ये हाल मिडिल स्कूल का है, जहाँ सिर्फ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। सरकार ने कुछ दिन पहले ही राटन के मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की है। कहा यह गया था कि इसके सहारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन असल में कौन सी शिक्षा दी जा रही है, इसकी पोल वायरल वीडियो से खुली है। बिहार के स्टेट कैंसर सेंटर को भ्रष्टाचार का कैंसर लग गया। पटना के IGMS में बने स्टेट कैंसर सेंटर के 2 कमरों की छत बीते शुक्रवार को ऐसे गिरी जैसे उसे सिर्फ रेत से जोड़ दिया गया था। गनीमत ये थी कि उन कमरों में कोई मरीज नहीं था, वरना कितनी क्षति होती इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस सेंटर की इमारत 120 करोड़ की लागत से सिर्फ एक साल पहले बना है। खुद CM नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। छत गिरने के बाद IGMS प्रबंधन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है। पटना में बिहार सरकार का सबसे उच्च स्तर का मेडिकल संस्थान है IGMS। उसके परिसर में स्टेट कैंसर सेंटर बनाया गया है। तकरीबन 1 महीने पहले इस सेंटर में मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। मरीज कम है, इसीलिए कैंसर सेंटर के पूरे भवन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पहले 2 तल्ले पर मरीज और स्वास्थ्यकर्मी रहते हैं। शुक्रवार को दोपहर अचानक जोरदार आवाज हुई। इतने जोर से आवाज आई कि निचले तल्ले पर मौजूद लोग भागकर बाहर निकल गए। कुछ देर बाद जब लोगों ने ऊपर जाकर देखा तो पाया कि कैंसर सेंटर के तीसरे तल्ले पर 2 कमरे की एक छत गिरी पड़ी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दुश्मन देशों की तरह कोरोना से भी अपने तरीके से निपटने का ऐलान किया है। किम जोंग उन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले से मिले 30 लाख कोरोना वैक्सीन को वापस लौटा दिया है। कहा है कि जिस देश में कोरोना की स्थिति गंभीर है, ये वैक्सीन उन्हें दे दिया जाए, हम कोरोना से खुद निपट लेंगे। किम जोंग ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया में कोरोना का एक भी मामला नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के ज्यादातर देश ऐसे हैं जहां सही से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लेकिन उत्तर कोरिया ने अपने देश को मिले 30 लाख वैक्सीन लौटा दिया है। उत्तर कोरिया की ओर से कहा गया है कि उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियान के तहत जो वैक्सीन मिले हैं वह उन देशों को दिया जाए जो कोरोना से तबाह हो रहे हैं। उत्तर कोरिया कह रहा है कि कोरोना ने उनके देश में एंट्री ही नहीं मारी है, तो वैक्सीन का क्या काम। बिहार में बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें बच्चों को सांस लेने में परेशानी आ रही है, कुछ डायरिया की चपेट में आ गए हैं। इन मामलों में डॉक्टरों ने कोरोना की आशंका भी जताई, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में सभी सैंपल निगेटिव पाए गए हैं। बता दें कि पटना के PMCH और GIMS के OPD में बच्चों की संख्या अचानक बढ़ गई है। सर्दी जुकाम खांसी और बुखार के साथ बच्चों को लाया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक सांस की नलियों के ऊपरी हिस्से में संक्रमण अधिक मिल रहा है, उन्हें खांसी आ रही है। शिशु रोग विभाग के OPD में इलाज को रोजाना 250 बच्चे पहुंच रहे हैं, जबकि इससे पहले करीब 100 से 120 के बीच बच्चे इलाज को आ रहे थे।
बिहार में कोरोना वैक्सीन के दौरान तरह तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं। दो दिन पहले गोपालगंज में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी का कारनामा सामने आया था, जो टीका लेने आए लोगों को चप्पल से पीट रही थी। गोपालगंज में ही दीवार फांदकर खिड़की से टीका लेते एक आदमी का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब पड़ोस के सारण यानी कि छपरा जिले में नई घटना हुई है। टीकाकरण केंद्र से कुछ दबंग कोरोना वैक्सीन ही ले भागे हैं। मामला सारण जिले के दिघवारा प्रखंड के त्रिलोकचक का है। वहां मनरेगा भवन में टीकाकरण केंद्र लगाया गया था। इस केंद्र पर हुए एक वाक्य का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ दबंग उधम मचाते हुए वैक्सीन की शीशी लेकर ही जा रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। दिघवारा थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। स्वास्थ्य विभाग ने प्राथमिकी में कहा है कि कुछ लोगों ने वैक्सीनेशन के दौरान हंगामा खड़ा कर दिया, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट करते हुए जबरन कोरोना वैक्सीन की दो शीशी अपने साथ लेकर चले गए। रोहतास में बालू के अवैध खनन मामले में 6 अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर गोपाल कुमार ने बालू खनन करने वाली लीजधारी कंपनी आदित्य मल्टीकम प्राइवेट लिमिटेड पर बालू चोरी के आरोप लगाते हुए रोहतास जिले के डेहरी, इंद्रपुरी, दरीहत, तिलौथू तथा डालमिया नगर थाने में 6 अलग अलग मुकदमा दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि बालू खनन मामले में पहले भी कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। दरअसल 1 जून से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों से बालू खनन पर रोक लगा रखी थी। उससे पहले भी बेतरतीब तरीके से बालू खनन कर लिया गया और विभाग को अपने स्टॉक की गलत जानकारी दी गई। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब खनन विभाग ने जुलाई में स्टॉक का मिलान किया। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। राजद विधायक तेज प्रताप यादव की विधानसभा सदस्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न बिंदुओं को दाखिल किया गया। जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने मामले पर सुनवाई करते हुए इसे रिकॉर्ड कर रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने विजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता ने तेज प्रताप यादव के निर्वाचन को अमान्य करार देते हुए हारे हुए जदयू के उम्मीदवार राजकुमार राय को विजयी घोषित करने की मांग की है। याचिकाकर्ता विजय ने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही सही पूर्ण विवरण नहीं देने का आरोप लगाया है। अब इस मामले पर 30 सितंबर को सेटलमेंट ऑफ इशू और गवाही पर सुनवाई की जाएगी। गवाही में संबंधित पक्षकारों द्वारा उन दस्तावेजों और गवाहों की लिस्ट भी दी जाएगी जो इस मुकदमे से जुड़े हुए होंगे। बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव से पूर्व पूरे गांव में सोलर लाइट लगाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग को सोलर लाइट लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्थलों के चयन को लेकर सर्वे कराने का निर्देश भी दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री के समक्ष एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना से संबंधित प्रस्तुतिकरण रखा। प्रेजेंटेशन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हर पंचायत को सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने को लेकर योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने पंचायत भवन के दोनों एंट्री पॉइंट, अस्पतालों सहित अन्य जरूरी जगहों को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना ही नहीं है, बल्कि उसका ठीक से रखरखाव करना भी जरूरी है। इसके लिए मेंटेनेंस भी जरूरी है और इसके रखरखाव पर भी उन्होंने जोर दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना सिटी दौरे पर गुरुबाग पहुंचे। वहां उन्होंने 60 करोड़ की लागत से बनाए गए बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन और 15 करोड़ की लागत से बनाए गए पंजाब भवन का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और पटना सिटी SDO मुकेश रंजन समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। CM नीतीश ने जायजा लेने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर अधिकारियों से बातचीत की, साथ ही हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जी हाँ, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की प्रक्रिया जारी है। नामांकन का आज दूसरा दिन है। गुरुवार को नामांकन के पहले 565 उम्मीदवारों ने अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल किया। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 491 लोगों ने ऑफलाइन जबकि 31 ने ऑनलाइन नामांकन दाखिल किया है। सबसे ज्यादा नामांकन ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए हुआ है। इस पद के लिए 354 नामांकन दाखिल हुए हैं। आयोग के मुताबिक मुखिया के लिए 69, पंचायत समिति सदस्य के लिए 43, ग्राम कचहरी पंच के लिए 67, सरपंच के लिए 24 और जिला परिषद सदस्य के लिए 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।
पंचायत के कुल 6 पदों के लिए चुनाव होना है। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होना है। पहले चरण के लिए 30 जिलों में 12 प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8 सितंबर तक नामांकन पर दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11 तक होगी। वहीं 13 सितंबर तक नामांकन पत्र वापसी किए जाएंगे। 13 सितंबर को ही सभी प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।